सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है, हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खड़े उतरें। और सर, योगी टू सरकार का पहला बजट होगा, हालांकि एक्सपीरियंस आपको खूब रहा, विपक्ष के हो हल्ला को कैसे संभालेंगे आप? विपक्ष से अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें, और ये जन कल्याण का बजट है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है, और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा, और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर, और विशेष रूप से युवाओं पर। किसान और व्यापारी सर, बड़ी किसान और व्यापारी भी बड़ी आस लगाए सर, किसान और व्यापारी। ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही, कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। कोई नया टैक्स तो नहीं लाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। टैक्स कोई नहीं सर, महंगाई को लेकर के कोई विशेष योजना किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, किसान, महिला, नौजवान और खास तौर से रोजगार सृजन, जो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने संकल्प पत्र में जो कुछ कहा है उसी के अनुरूप उसी को आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार, ग्रोथ इंजन कब बनेगी? ग्रोथ तो लगातार चल रही, हम लगातार, मैंने कहा ना कि हम लगातार बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री जी, ये दिखाइए जो आप लोगों ने मंडल में मंत्रियों को भेजा था, आप लोगों ने उसका इम्पैक्ट क्या इस बजट में दिखाई देगा? देखिए, बजट में तो हर बात का इम्पैक्ट दिखाई देगा, वो अपने आप में ग्राउंड रियलिटी की जानकारी करना और विकास कार्यों को गति देना, खास तौर से उसमें विशेष रूप से नीचे तक हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, उसका उद्देश्य यह है। और हम समझते हैं कि यह पहली बार सरकार ने जो प्रयोग किया बहुत सफल है, लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। लोग ये कहते हैं कि सरकार बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री समूह उनके क्षेत्र में जाकर, उनके जनपद में जाकर उनका हालचाल भी लेते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं, और जितनी ज़्यादा समीक्षा होती है हम समझते हैं कि हमारे उतने अच्छा परिणाम भी आता है। खन्ना जी, आपके बागीचे में आम बहुत फला है, आम बहुत फला है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए क्या होगा? प्रधानमंत्री जी, आम लोगों के लिए क्या होगा? आम आपके बागीचे में बहुत फला है। सभी लोग, अभी तक जितनी सरकारें आई, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सबसे ज़्यादा फोकस हमारी सरकारों ने गरीबों पर ही किया है। अगर आप योजना एक एक करके देखें, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये सभी वो नीतियां हैं जो समाज में जो असेवित लोग थे, जो किसी न किसी रूप में अब तक जिनको सरकार का लाभ नहीं मिल पाया था, उन लोगों के लिए को लाभान्वित करने वाली नीतियाँ हैं, और इसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। अखिलेश जी के टीका टिप्पणी से कैसे बचेंगे? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है। एक बार शायरी होगी, इसी शायरी को एक बार और बोल दें, इसी को शायरी में अखिलेश जी के ऊपर जो आप कह रहे हैं इसको शायराना अंदाज में और ऊंचे आवाज में बोले। मैंने कहा ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मोहब्बत कहाँ तक पहुँचेगी? मान क्यों नहीं रहे हम आपके मोहब्बत से? हम अपनी तरह, मुझे, हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे, और उनको ये क्या करना है ये कम से कम उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी के विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादित जरूर होना चाहिए। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, माता जी और पिताजी तक पहुंच गया है, माता जी और पिताजी तक मामला पहुंच गया है, केशव प्रसाद मौर्य के लिए, और यहां तक कि भप भप कर रहे थे। देखिए, वो विषय अब समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से कल सदन में, जिस प्रकार से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर, मुख्यमंत्री जी ने कल इंटरवेंट किया जी, और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत
बढ़िया तरीके से, उसका वो विषय तो अब समाप्त हो गया। सर ये बजट पे बक 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 होने लगेगा तो कैसे करेंगे? ये झक झक को कैसे बर्दाश्त करेंगे सर? ये झक झक को कैसे बर्दाश्त करेंगे? काल्पनिक काल्पनिक सवालों का तो जवाब कोई है। सर आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम लोग हर तरह से प्रदेश का कल्याण के लिए आगे बढ़े और सभी लोगों को मिलकर, सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम प्रदेश की जनता का कल्याण करें और हम इसी विचार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि इसी विचार को लेकर सभी लोग एकजुट होकर इस विचार को आगे बढ़ाएं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपके बागीचे में घूम रहा था, कई ऐसे आम के पेड़ हैं जिस पर आम से लदा हुआ है, भरा हुआ है। आम लोगों के लिए बजट कैसा होगा, कैसा महत्वपूर्ण होगा? मैंने कहा ना कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रही है और आगे भी रहेगी।